प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग, मैं एक्स सुबदार मेजर बपिंदर सिंह सैनी, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहौड़ा मोहाली। प्यारे बच्चों आज दा लैसन तुहानू जिस तरह पंचाल हड़ जां आतंकवादी हमले हुंदे है उन्हां तों बाद एक टीम बनाई जांदी है और वह हंगामी हालत हुंदी है, उस हंगामी हालत नाल निपटने वास्ते टीम दी एक रोल हुंदा है। उहदे च कई टीमां हुंदियां हन पर ये टीमां अलग अलग काम करदियां हन, लेकिन सारियां टीमां दा कमांडर इक्को ही हुंदा है और एक टीमां आपस में मिलके काम करदियां ने। आओ जानिए इनके बारे में। पहला, हंगामी हालत नाल निपटन वाली टीम दा रोल अते जिम्मेवारियां। ईआरटी एमरजेंसी रिस्पोंस टीम हंगामी हालत दा मुकाबला करन वाली टीम, मुसीबतां हंगामी हालतां अते संकटां तों पैदा होण वालियां तकलीफां तबाही अते संकटां तों राहत दिलाउण लई बनाई गई है। यह तकनीकी तौर पर विशेष सिखलाई प्राप्त एक टीम हुंदी है जो बहुत ही घट समय की सूचना अते घटना वाले स्थान पर तैनात कर दिती जांदी है। यह उच्च पद्धर का साजो समान अते समगरी दे पहला तो ही तैयार किए सैटा की वरतों करते हैं। एक टीम साजो समान दे नाल तैयार खड़ी है। टीम का कोऑर्डिनेशन, आओ ईआरटी टीम का ढांचा, भूमिकावां अते जिम्मेवारियां। ईआरटी टीम का ढांचा एक कामकाजी टीम वाला हुंदा है। ईआरटी टीम मिलजुल के काम करती है। ईआरटी टीम का नेता, सब तो पहले टीम का नेता, सब तो पहला पहुँचने वाले मैंबर आम तौर पर टीम का नेता बनाया जाता है। यह नेता टीम का कमांडर हुंदा है। टीम का कमांडर घटना का मुंडला जायजा लेंदा है अते टीम के मैंबरां लई ढुकवें एक्शनां का फैसला करता है। अगला, सुरक्षा अधिकारी की भूमिका निभाता है अते टीम के बाकी मैंबरां नूं काम दिंदा है। यह कमांडर प्रभावित इलाके बारे फैसला करता है, कार्य खेत्र गड्डियां दी आवाजाई दा जायजा लेंदा है, आपसी संपर्क अते टीम के कमां नूं बणदा है। सारियां उन्हां सारियां जरूरतां नूं टीम के मैंबरां राहीं पूरा करन दा फैसला करता है। तबाही तों प्रभावित लोकां अते कीते जाण वाले कम्मां दीआं रिपोर्टां इकट्ठियां करता है। ईआरटी घटना की रिपोर्ट स्थानक अधिकारियां अते ईआरटी उच्च अधिकारियों नूं सूचित करता है अते संपर्क बना के रखता उन्हां दे नाल तां कि कोई वक्ते जरूरत कोई जरूरत पै सकती है किसी टाइप की भी, इसलिए उन्हां दे नाल संपर्क बना के रखता है। अगला है कमांडर सेफ्टी अफसर सुरक्षा अधिकारी। सुरक्षा अधिकारी टीम के मैंबरां नूं दुर्घटना प्रभावित स्थान पर तैनात करना, साजो समान, ये कमांडर चैक करता है कि साड़ी टीम दे नाल जिन्ना भी समान आया वो ठीक ठाक है। सुरक्षा वातावरण, मौसम नूं चैक करता है, कोई जमीन खिसने वाली तो नहीं, कोई जहरीली गैस रुसाव तो नहीं है, इस तरीके वातावरण को चैक करता कमांडर। बचाव कार्यों का निरीक्षण, जो भी बचाव कार्य असी काम करना जिथे भी ये हंगामी हालत के अंदर जो भी नुकसान होया उस तरह का निरीक्षण करता है। टीम के मैंबरां अते पीड़ित लोगों को शरीर खतरे, टीम के मैंबरां नूं भी खतरे हो सकते हैं और उन्हां प्रभावित लोगों भी खतरे हो सकते, उनका भी निरीक्षण करता है। टीम के मैंबरां सावधान करना, जो भी टीम के मैंबर है उन्होंने उस इलाके बारे में जो भी कार्य करना है उसके बारे में उन्होंने जानकारी देता है और उन्होंने सावधान करना है कि किस तरह किधर से काम स्टार्ट करना है और किधर खत्म करना है। अगली टीम हैगी अग बुझाने वाली टीम। ये टीम दिते गए इलाकों में छोटी मोटी अग न बुझाती है, ये तलाशी अते राहत जा सहायक टीमों की मदद करती है। ये जो छोटी मोटी जिस तरह प्रभावित क्षेत्र के अंदर छोटी मोटी अग लग जाती है उन्होंने ये कंट्रोल करती है और ये तलाशी अते जो राहत टीम होंगी उनके नाल मिल के भी काम करती है। एक टीम फायर फाइटिंग के समान दे नाल, फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप के, एक सुरक्षाकर्मी किस तरह अग के उपर काबू पा रहा तुसी चित्र के अंदर देख रहे हो प्यारे बच्चों। अगली टीम है तलाशी अते बचाव टीम। यह टीम प्रभावित लोगों की तलाश करती है, पीड़ितों को राहत प्रदान करती है, यह अग बुझाने वाली टीम का हिस्सा भी है। जो भी लोग प्रभावित है जिस क्षेत्र के अंदर उन्होंने यह मदद करती है, उन्होंने उत्थे ते तलाश करके उन्होंने मदद करके उन्होंने सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का भी काम करती है
और एक अग बजाने वाली टीम का भी हिस्सा है। प्यारे बच्चों, तुसी तस्वीर में देख रहे हो एक पीड़ित व्यक्ति किस तरह सुरक्षाकर्मी बाहर लेके आ रहे हैं, और दूसरी बात साइड में एक टीम बिल्कुल तैयार खड़ी है जो कि ट्रेनिंग कर चुकी है। अगली टीम है डॉक्टरी सहायता प्रदान करने वाली टीम, डॉक्टरी सहायता प्रदान करने वाली एक इलाज करने, दो टीमें हैं प्यारे बच्चों इसमें। पहले पढ़ते हैं सहायता करने वाली टीम, डॉक्टरी सहायता प्रदान करने वाली टीम घटना स्थान पर प्रभावित लोगों के इलाज की सहूलत प्रदान करती है। जो भी प्रभावित लोग है घटना स्थान के ऊपर उन्हां दी ही इलाज करती है, जख्मां दी किस्म अनुसार पीड़ितों की पहचान करती है। मतलब जिस तरह पीड़ित की किसी की हड्डी टूट गई है या किसी को साह देना है, उन्हां दी इस तरह पहचान करती ताकि अलग अलग हॉस्पिटल उनको भेजा जा सके, मापदंड तय अनुसार उन्हां पीड़ितों की मदद करती है। जो पीड़ित व्यक्ति है जिन्होंने जिस तरह की जरूरत है मदद की, उस तरह की यह मदद करती। अग बजाने वाली टीम राहत प्रदान करने वाली टीम का हिस्सा है, आम अते एकदम इलाज की सहायता करती है, 30 सैकंड गंभीर रूप में पीड़ित व्यक्तियों की मदद करती। जो ये संकट हो जाता है, हंगामी हालत होती है, तो 30 सैकंड के अंदर फटाफट जल्दी तो जल्दी ये पहुँच के जो पीड़ित व्यक्ति है उन्हों की मदद करती है, उन्होंने इलाज करती है और इनको सुरक्षित स्थान पर भी पहुँचाती है। साह प्रणाली खून का बहना अते मानसिक स्थिति राहत प्रदान करती है। साह प्रणाली जिस तरह किसी को बनौटी साह देना है और किसी का खून बह रहा है, किसी को खून चढ़ाना है या किसी का मानसिक डर के मारे उनको भी ये तसली दिलाती है, इस टीम का यही काम है। उसके बाद ये जो सुरक्षित स्थान है उत्थे पहुँचाने का काम करती है। प्यारे बच्चे, तुसी तस्वीर में देख रहे हो एक बहुत बड़ा शेल्टर लगा हुआ, ऊपर शेल्टर के अंदर किस तरह डॉक्टरी इलाज चल रहा है, थले शेल्टर लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर बच्चे का निरीक्षण कर रहा है, थले एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये टीम का काम है। ईआरटी टीम वालों वरत्या जाने वाला समान, ये समान नाजुक या साधारण हो सकता है, हंगामी हाल की किस्म अनुसार हो सकता है। निजी सुरक्षा वाला समान, ईआरटी वालों वरते जाने वाले समान की सूची हेठ लिखे अनुसार है। नंबर एक, इस विच सख्त टोप सुरक्षा प्रदान करने वाले कपड़े, मास्क जां मुंह ढकन वाले कपड़ा, अखां दी सुरक्षा अते ऐनकां दस्ताने आदि। प्यारे बच्चों, जदों सुरक्षाकर्मी नूं खुद सेफ्टी करनी है उहदे विच उन्हां नूं सख्त टोप चाहीदा, हैलमेट जिहनूं कहिंदे असीं, और कपड़े चाहिए सुरक्षा वास्ते, जिस तरह अग वाले कपड़े अलग हुंदे आ, रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले अलग कपड़े जो तस्वीरों में देख रहे हो सुरक्षाकर्मियों ने पहने हुए है, और अखां नूं ढकने वास्ते उन्हां नूं ऐनकां चाहीदियां, और हत्थां नाल कोई भी समान जहरीला जां किस तरह दा भी उठाणा उहदे वास्ते सानूं दस्ताने दी जरूरत पैंदी है। नंबर दो, हजमत खतरनाक मौके लई समान ले जाण लई गड्डी, खतरनाक जिस तरह बड़ियां गड्डियां जो कि आराम नाल जा और आ सकदियां हन। नंबर तीन, फराक टैंक, पानी वाले टैंक जां बर्तन जो पानी नूं संभालण लई वरत्या जांदा है, तां इक प्रबंध जदों किसी खूह का पानी नुकसान होया होवे, जिस तरह किसी इलाके के अंदर प्रभावित के अंदर हड़ आया, मतलब उत्थे खूह का पानी दूषित हो गया, उत्थे पानी पीण योग्य नहीं है, उत्थे वाटर टैंक मंगाए जाते हैं और सिंटैक्स भरे जाते हैं और छोटे छोटे ड्रम भरे जाते ताकि लोगों को पीने वाला पानी मुहैया करा सके। नंबर चार, ख्याल पैदा करने वाले ट्रेलर ज वैकम ट्रेलर, वैकम ट्रेलर मतलब लंबे ट्रेलर होंगे जिन्हों के बीच आसानी के समान रखा जा सकता है और उतारा जा सकता है। नंबर पाँच, जमीन की पटाई करने वाली मशीन, जिस तरह JCB मशीन। नंबर छे, बलडोजर जमीन नू लेवल करने लई भारी मशीन। नंबर सात, तीन एक्सलों वाला मलबा चुकन वाला ट्रक, रोल ऑफ कंटेनर ट्रक, ये ट्रक जिस तरह आप देख रहे हो टिप्पर जिसनों असी आम भाषा में कह देंगे वो उस तरह का हुंदा है। नंबर आठ, अपने आप खुलन वाले डब्बे वाले ट्रक जो कि जिदी बॉडी चारों पासे खुल जाती है, वो प्लेन हो जाती है, उदे विच समान आसानी ना रखा जा सकता है और उतारा जा सकता है। नंबर नौ, हवा नाल भरे हुए गद्दे, ये गद्दे काफ़ी काम आते हैं, जिस तरह मरीजों नूं जां पीड़ित व्यक्तियों नूं सोने वास्ते जां किसी हाइट तो कोई समान सुटना है उहदे उपर भी सिटा जा सकता है। नंबर दस, उपग्रह संचार प्रणाली की मदद नाल चलण वाले तुरदे फिरदे कमांड केंद्र, एक जदों प्रभावित क्षेत्र होंदा उत्थे टावर गिर जाते हैं, कम्युनिकेशन आपस में संचार नहीं होंदा, और ते आपस में संचार करने के लिए
कम्युनिकेशन बैन होंदी है जिहदा 60 किलोमीटर तक रेंज हुंदा है और आपस में गलबात कर सकते हैं और जो काम प्रभावित क्षेत्र में चल रहा है उन्हें सुचारू रूप नाल चलाने के लिए ये कम्युनिकेशन बैन होना जरूरी है। 11 नंबर मौके मुताबिक बरतन जाने वाली गड्डियां, ये गड्डियां छोटियां भी हो सकदियां बड़ियां भी हो सकदियां, ये 4x4 होंदियां जिस तरह दलदल के अंदर नहीं फंसदियां और रेते के अंदर नहीं फंसदियां और पहाड़ी एरिए में आराम से जा आ सकदियां हन। नंबर 12 निकास संबंधी लाउड स्पीकर, किसी भी व्यक्ति नु सूचित करना है जो दूर है व्यक्ति उन्हें कोई आदेश देना या ऑर्डर देना उदे वास्ते लाउड स्पीकर जरूरी है। नंबर 13 अग बुझाने वाले यंत्र। नंबर 14 हंगामी हालत समय बरतया जाने वाला सुरक्षा मैट, ये मैट काफ़ी जगह काम आता है ताकि कोई दलदल के एरिए में काम करना जां सोने दे काम करना जां कोई गड्डी फंस गई उदे वास्ते भी ये इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 16 हंगामी डॉक्टर का साजो समान, जो भी मुंडली सहायता देनी है उनके नाल साजो समान होना चाहिए जिस तरह ऑक्सीजन के सिलेंडर जो छोटा मोटा डॉक्टर का समान है वह सारा नाल होना चाहिए। नंबर 17 हल्के फुलके औजार, हल्के फुलके औजार मतलब जिस तरह कस्सी वायर कटर कुल्हाड़ा थोड़ा छोटे मोटे औजार जो है रस्सियाँ इस तरह का औजार होने जरूरी है। 18 नंबर सुरक्षा लई रस्सियाँ, ये रस्सियाँ बहुत ही काम आदियाँ हैं जिस तरह किसी हाइट के उपर से स्ट्रेचर वगैरह बांध के किसी पीड़ित व्यक्ति को उतारना है जां आप चढ़ना है रस्सी दे ला के जां किसी डॉन चो रस्सी फड़ के किसी व्यक्ति ने उपर कढ़ना है उदे वास्ते रस्सियाँ बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों तुसी तस्वीर में देख रहे हो जेसीबी किस तरह मलबा हटा रही है और टिप्पर के अंदर डाल के बाहर हटाया जा रहा है। साइड में एक जनरेटर खड़ा है जो बिजली के काम वास्ते आता है। थले दोनों तस्वीरों में हल्के फुलके औजार दिखाई दे रहे हैं। तलाशी अते बचाव दे काम, तलाशी अते बचाव वाले काम तकनीकी गतिविधियां दा ओ समूह है जो एक व्यक्ति जां विशेष तौर पर सिखलाई प्राप्त लोगों वालों चलाईयां जांदियां हन जो पीड़ित लोगों का बचाव करदे अते गंभीर हालतों में हो चुके लोगों की सेवा करदे जिथे जिंदगी नूं खतरा पैदा हो सकता है। ये जो बचाव और तलाशी वाले मैंबर हन टीम दे इन्हां ने जितने भी प्रभावित व्यक्ति है उन्होंने मदद करनी है और उन्होंने सहायता प्रदान करनी है उन्होंने सेवा करनी है और उन्होंने सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है। जो व्यक्ति इधर उधर घूम रहे या हो रहा है उन्होंने भी उन्होंने सुरक्षित स्थान पर लेके जाना। ये पिक्चर के अंदर देख रहे हो प्यारे बच्चों कि किस तरह मलबा हटा के एक व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति को निकाला जा रहा है। नुकसान बारे सूचना इकट्ठी करना, होर नुकसान होने की संभावना तो नहीं, जिस तरह कोई हड़ आ गया कोई जमीन दसने वाली कोई मकान गिरने वाला इस तरह की कोई होर नुकसान होने की संभावना तो नहीं। तलाश प्राप्त हो चुके लोगों की सहायता प्रदान करनी, जो भी तलाश किए हुए लोग है उन्हां वास्ते शिविर लगाना टेंट लगाना उन्होंने खाना देना बिजली पानी सारा बंदोबस्त उनका जो भी प्रबंध करना है वो तलाश टीम करती है। उन्हां टांचियां मकाना बारे कुछ जिन्हों का बुरी हालत होने करके काफ़ी डर है उन्होंने कदे भी भारी खतरा हो सकता है। जो मकान गिरने वाले है उन्होंने तो कदे भी खतरा हो सकता है वो उन तो डर भी लगता है इसलिए उन्होंने चैक करना है। इस कार्य में मौजूदा कर्मचारियों सहूलतों की वरतों की जाती है। इस कार्य में जो भी हंगामी हालत पैदा हुई है जिस इलाके के अंदर पैदा हुई है उसके अंदर जो भी मौजूदा कर्मचारी है जिदा सरकारी कर्मचारी है जां प्राइवेट कर्मचारी है जां कोई फैक्ट्री दे है जां प्राइवेट संस्था है उन्होंने भी मदद ली जाती है। प्रभावित लोगों की मुढ़ली डॉक्टरी सहायता जां होर सहूलत पूरी करते हैं। जो भी प्रभावित व्यक्ति है उन्होंने मुढ़ली डॉक्टरी सहायता करते हैं। सुरक्षित स्थान मुहैया कराने, सुरक्षा स्थान मुहैया कराने मतलब कित सुरक्षित स्थान पर जिते कोई नुकसान ना होया हो उत्थे उन्होंने संभाल के लेके जाना और उनकी मदद करना बचा कार्य टीम का एक सांझा जतन हुंदा है। ये जितनी भी टीमा है इन्हों का एक सांझा जतन हुंदा है। प्यारे बच्चों तस्वीर में देख रहे हो तुसी वाकी टाकी, ये कम्युनिकेशन वास्ते बहुत ही लाभदायक है। इहदे नाल जो काम है बहुत जल्दी हुंदा है, किसी नूं ऑर्डर पास करना और किसी नूं आदेश देना इहदे वास्ते इस्तेमाल किया जाता है। तलाशी अते बचा कार्य पांच प्रकार के होंगे। पहला
ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ, ਹਵਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਪਹਾੜੀ ਢੰਗ ਵਾਲਾ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਔਜ਼ਾਰ, ਤਕਨੀਕਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਬ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਔਰ ਰਾਹਤ ਸ਼ਿਵਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਦਬ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਜੋ ਇਨਕਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਨਕ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਟੀਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਬੇ ਕੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ, ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਚੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ। ਭਾਰੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਤਲਾਸ਼, ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਪਸ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਦਬ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਲਬੇ ਕੇ ਨੀਚੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਚੇ ਦਬਾ ਹੋਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ। ਨੰਬਰ 1, ਯੁੱਧ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ। ਨੰਬਰ 2, ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ IL-76 ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਕੋ ਟੈਂਟੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਵਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਤਾਖੋਰ ਅਤੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਮਲਾਹ। ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਬੇੜੇ ਦੇ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਚਿੱਤਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਖਾਣਾ ਸਭ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵਾਇਦਾਂ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਰ ਹਮ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਲਬੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਕਵਾਇਦ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 10 ਕੇ 10 ਮਰ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਬੇ ਕੋ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਤੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਪਹਿਲੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣੇ ਕਾ, ਭੁੰਚਾਲ ਆਉਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ, ਜਿਸੇ ਹੋਟਲ ਮੈਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਏਰੀਏ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਰੋਕੂ ਟੀਮਾਂ DMC DMT ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣੀਏ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ BDO ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਫਸਰ। ਉਹਤੇ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਕੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵਾਇਦਾਂ ਦੇ ਲਾਭ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਫੈਸਲੇ, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਣ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਗਏ, ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੁਆਰਾ ਡਰੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰਜ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਤਾਇਆ ਮੈਨੇ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਔਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਔਰ ਉਨਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਨਕੀਆਂ ਡਰਿੱਲਾਂ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਲਾਭ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚਾਲ ਦਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ
आम तौर पर जिस तरह पंचाल की ट्रेनिंग की है बच्चों दस्या किस तरह बाहर निकलना है और किस तरह ड्रिल करनी है ता कि जो पंचाल से बचा जा सके उन्हां दी सारियां ड्रिलां कीतियां ता कि उन्दे फायदे मिल सके सानू। उहदे बाद जो भी असी काम करदे हां उहदा तां ही फायदा सानू मिल सकता है जदों असी कोई काम कीता होवे जां करना होवे। इह सारियां चीज़ां दी जरूरत सानू पड़दी रहिंदी है ते असी काम करदे रहिंदे हां। मैनूं यकीन है कि प्यारे बच्चों तुसीं इस सबजैक्ट के बारे में पूरा समझा होगा और ध्यान दिता होगा क्योंकि ये आने वाले समय में इन दी बहुत जरूरत पैनी है क्योंकि जैसे जो गुजरात में देखा है तुसी नेपाल के अंदर देखा कि काफ़ी पंचाल आए थे और बम्बे के अंदर ताज होटल में आतंकवादियों ने हमला किया था उस टाइम ही काफ़ी इस तरह दी टीमों की जरूरत पई है सानू। तो वो टीम ताही काम कर सकदी जो असी पहला तो सिखलाई की हो जां इन्हां नूं पहले ट्रेन किया होवे। कुछ आपने न्यूज़ में भी सुनते हो आज पेरिस के अंदर आतंकवादी हमला हुआ है उत्थे भी इस तरह की ड्रिलां तैयार की जाती हैं और टीमों बनाया जाता ताकि उनसे नजिठा जा सके उनसे निपटा जा सके और ता ही कार्रवाई असी इन्हां चीज़ों की कर सकते हैं और ता ही असी इनका लाभ उठा सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। इन्हां नूं बचा के मदद करके इन्हां दी पीड़ित व्यक्तियों की और इन्हों अलग शिविरों में शिफ्ट किया जाता है उत्थे शिफ्ट करने के बाद इन्हों की मदद जो की जाती है वो सहायता डॉक्टरी इलाज जो भी है उन्होंने खाने पीने का समान जो भी टेंट है उन्होंने मुहैया कराया दिता जाता है। प्यारे बच्चों इस सब्जेक्ट के बारे में प्यारे बच्चों इस सब्जेक्ट के बारे में तुसी बहुत जानकारी हासिल की है और इहदे बाद मैनू यकीन है कि तुसी पूरा पूरा लाभ उठाया होगा और अगे भी जो भी कार्रवाई करोगे बहुत ढंग ना करोगे। धन्यवाद।